गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं पेज नंबर 61, लेसन नंबर 11, पैसिव कंस्ट्रक्शन। अभी तक हमने रूल देखा कि अगर एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हो तो उसे हम पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, इम्पैरेटिव सेंटेंस को पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे। फिर हमने थर्ड रूल देखा कि अगर वर्ब के साथ प्रीपोजिशन दिया हो तो उसे हम कैसे चेंज करते हैं। और हमने फोर्थ रूल देखा था कि अगर हमें बाय की जगह और कोई प्रीपोजिशन यूज करना है तो हम पैसिव फॉर्म से कैसे यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं आज हम पैसिव कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंटेंस विद इन्फिनिटिव्स, हम इन्फिनिटिव्स में कैसे चेंज कर सकते हैं, या इन्फिनिटिव अगर दिया हो तो हम उसको कैसे चेंज करेंगे। देखिए, इन्फिनिटिव होता क्या है, 2+V1 फॉर्म होता है। शी बैग द प्रिंसिपल टू फॉरगिव हर। तो देखिए यहाँ पे जो टू फॉरगिव हर है ये कौन सा फॉर्म है, इन्फिनिटिव फॉर्म है। तो आप जानते हैं कि पैसिव फॉर्म जब चेंज करते हैं तो हम वी थर्ड में कन्वर्ट करते हैं, तो हम कैसे लिखेंगे, शी बैग द प्रिंसिपल टू बी फॉरगिवन। टू के साथ बी यूज करेंगे और वी थर्ड फॉर्म यूज किया गया है। आई होप टू ओवरकम माई डिफिकल्टीज। तो देखिए यहाँ पे टू ओवरकम क्या है, इन्फिनिटिव फॉर्म में है, तो हम इसको जब चेंज करेंगे, आई होप माई डिफिकल्टीज टू बी ओवरकम, तो टू के साथ बी यूज करेंगे और वी थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। आई हैव टू डू दिस वर्क, दिस वर्क हैज टू बी डन बाय मी। तो देखिए यहाँ पे क्या यूज किया गया है, टू बी डन, हैज टू बी डन, और यहाँ पे हैव दिया हुआ था तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में दिया था, जब हम उसको चेंज करेंगे तो हैज टू बी डन बाय मी। आई एक्सपेक्ट यू टू फिनिश द वर्क, आई टू फिनिश के यहाँ पे अब क्या है, इन्फिनिटिव है, जब चेंज करेंगे आई एक्सपेक्ट द वर्क टू बी फिनिश्ड बाय यू। इट इज टाइम टू गिव द ऑर्डर, इट इज टाइम फॉर द ऑर्डर टू बी गिवन। यहाँ पे टू गिव क्या था, इन्फिनिटिव में था, जब हमने चेंज किया तो टू प्लस बी प्लस गिवन, वी थर्ड फॉर्म में। चलिए अब हम एक्सरसाइज देखते हैं, टेस्ट योर सेल्फ, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। मतलब आपको जो भी एक्सरसाइज मिलेगी समय हमें क्या करना है, एक्टिव को पैसिव में चेंज करना है सेंटेंस को। पहला जैसे हमें दिया हुआ है, आई गिव हिम द ग्रामर बुक। देखिए हमें पहले एक्सरसाइज दी हुई है, पहला क्वेश्चन है आई गिव हिम द ग्रामर बुक। तो इसको देखिए यहाँ पे ये कौन सा सेंटेंस है जिसमें दो ऑब्जेक्ट है, जैसे पहला दिया हुआ पहला ऑब्जेक्ट क्या है, हिम, और दूसरा क्या है, द ग्रामर बुक। तो जो ये हिम है ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और द ग्रामर बुक क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो मैंने इसका आपको दो रूल बताया था कि हम सेंटेंस को दो तरीके से चेंज कर सकते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की हेल्प से और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की हेल्प से। अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की हेल्प से सेंटेंस को चेंज करते हो पैसिव में, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इनडायरेक्ट के आगे हमें क्या लगाना पड़ेगा, टू वर्ड लगाना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ही वॉज गिवन, देखिए उसको चेंज कर रहे हैं, अब देखिए यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, हिम, इनडायरेक्ट को क्या बना रहे हैं, सब्जेक्ट, तो यहाँ पे यूज किया गया है ही। गिव क्या था, वी टू फॉर्म में था, तो इसको जब चेंज करेंगे तो ही वॉज गिवन द ग्रामर बुक बाय मी। अब इसमें सेकेंड फॉर्म में हमें ये बताया जा रहा है कि हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट के तौर पे यूज करेंगे तो हम क्या लगाएंगे, इनडायरेक्ट के आगे टू, तो द ग्रामर बुक वॉज गिवन टू हिम बाय मी। अब आप देखिए आपने अकॉर्डिंग से दो तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मैं अब जो आगे आपके क्वेश्चन करवाऊंगी मैं एक ही तरीके से कराऊंगी, दूसरे तरीके से आप खुद से करेंगे, वो आपका होमवर्क रहेगा। मिसेस लाल टीचेस अस इंग्लिश, तो हम इसको चेंज करेंगे, यहाँ पे देखिए जो अस है यहाँ पे क्या है, इनडायरेक्ट है ऑब्जेक्ट, और इंग्लिश क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ हम इनडायरेक्ट को हेल्प से चेंज करेंगे। वी देखिए टीचेस किस में है, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में है, तो ये क्या हो जाएगा, वी आर टॉट, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट, वी आर टॉट इंग्लिश बाय मिसेस लाल। फिर थर्ड नंबर सेंटेंस, हु गिव यू दिस मोबाइल, अभी ये देखिए क्वेश्चन वाला है, क्वेश्चन वर्ड से है, तो उसके आगे क्या लगाएंगे हम, बाय हुम वर यू गिवन दिस मोबाइल,
गेव था तो गेव किस में था, वी टू फॉर्म में था, तो जब चेंज करेंगे तो वॉज या वर यूज करेंगे तो यहाँ पे वर जाएगा क्योंकि यू दिया हुआ है. गिवन गेव का थर्ड फॉर्म गिवन होगा, गिवन दिस मोबाइल. एंड क्वेश्चन मार्क, माई ब्रदर सेंड मी अ बर्थडे गिफ्ट. तो देखिए अब हमने यहाँ पे डायरेक्ट की हेल्प से चेंज किया है. अ बर्थडे गिफ्ट वॉज सेंड टू मी. देखिए मी क्या क्या, अब हमने क्या लगाया, टू लगाया है, बाय माई ब्रदर. अब देखिए यहाँ पे कौन से फॉर्म में था, वी टू फॉर्म में था, तो जब उसको हम चेंज करेंगे तो वॉज सेंड हो जाएगा. दे डू नॉट गिव देयर सर्वेंट गुड फूड. दे अब देखिए हम इसके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की मदद से चेंज कर रहे हैं, तो गुड फूड इज नॉट गिवन टू देयर सर्वेंट बाय देम. देखिए सेंटेंस किस में था, सिंपल प्रेजेंट में था, तो इसलिए हमने इसको इस से चेंज किया है एंड वी थर्ड फॉर्म यूज किया गया है और हिम के आगे क्या लगाया गया है, टू लगाया है. सॉरी देयर के आगे टू लगाया है क्योंकि देयर यहाँ पे क्या था, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था. डिड यू एक्सप्लेन द केस टू हिम. तब जब हम इसको चेंज करेंगे, डिड यू, देखिए कौन सा है, वी टू फॉर्म में, तो चेंज करेंगे, वॉज द केस एक्सप्लेन्ड टू हिम बाय यू. तो एक्सप्लेन का क्या हो जाएगा, एक्सप्लेन्ड हो जाएगा, वी थर्ड फॉर्म. द टीचर गेव अस अ टेस्ट इन मैथ्स. अब हम इनडायरेक्ट की मदद से चेंज करेंगे तो अस का क्या हो जाएगा यहाँ पे, वी, तो वी वर, और यहाँ पे गेव है तो वी टू में है तो उसको चेंज करेंगे, वी वर गिवन अ टेस्ट इन मैथ्स बाय टीचर्स. हैव यू गिवन हिम अवर कार. हैव गिवन प्रेजेंट परफेक्ट में है तो क्या हो जाएगा, हैज अवर कार बीन गिवन टू हिम बाय यू. अब देखिए हमने अवर कार कौन सा ऑब्जेक्ट यूज किया है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज किया, तो हम इनडायरेक्ट के आगे क्या लगाएंगे, टू, तो हिम के आगे टू लगा हुआ है और हैज अवर कार बीन, तो ये किस में चेंज हो रहा है, परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस था तो पैसिव में हमने हैज बीन प्लस वी थर्ड फॉर्म यूज किया है. हिज पेरेंट्स विल हैव सेंट हिम अ लवली वॉच. तो हम डायरेक्ट की मदद से चेंज कर रहे हैं तो इनडायरेक्ट के आगे क्या लग जाएगा, टू, तो अ लवली वॉच विल हैव बीन सेंट टू हिम बाय हिज पेरेंट्स. तो अब देखिए सेंटेंस किस में था, विल हैव मतलब फ्यूचर परफेक्ट में था, तो जब उसको चेंज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, विल हैव बीन सेंट टू हिम बाय हिज पेरेंट्स. नेक्स्ट एग्जाम नेक्स्ट डे देखेंगे. थैंक यू.